नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज। मैं अनुज पाल, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए नई शिक्षा नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व महामंत्री सौरभ शर्मा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जहां छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां 9वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को कोचिंग ना जाने के लिए नई शिक्षा नीति में कहा गया, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करते हुए आने वाले समय में आंदोलन पूरे मामले को लेकर करेगी। वहीं केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं पर अपनी मनमानी चला रही है, जिससे स्कूली छात्राओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। वहीं पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। स्ट्रेंथ बनने जा रहा है उसकी, अगर आप प्राथमिकी को ही कमजोर करेंगे, उसकी अगर प्राइमरी को ही आप कमजोर करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश का बच्चा अशिक्षित रहे, और जिस तरीके से वो शिक्षित होकर देश से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है, सत्ता से सवाल पूछता है, तो वे सवाल पूछने के लायक ही ना बचे। आप सोच सकते हैं कि जब बच्चा पहली से लेकर दसवीं तक रहता है, उतना परिपक्व नहीं होता, उतना मैच्योर नहीं होता, थोड़ी मैच्योरिटी उसके बाद आती है, उसके पास आती है, तो दसवीं कक्षा के बाद आती है, पहला। दूसरा, इस देश में गरीबी का, जिस तरीके से गरीबी से उभरने का प्रयास ये देश कर रहा है, यहाँ पर कई पीढ़ियाँ अभी भी ऐसी हैं जो 3 पीढ़ियों से गरीब रही हैं, अशिक्षित रही हैं। जैसे तैसे करके उन पीढ़ियों ने एक सामर्थ्य जुटाया, एक मेहनत करी कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हम अगर अशिक्षित रहे हैं, हम अगर अभाव में रहे हैं, तो कम से कम मेहनत करके हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पाए, ताकि उसका भविष्य बन सके। वह परिवार जो कि अशिक्षित है, अगर उसके बच्चे को प्राथमिकी शिक्षा ट्यूशनों में कोचिंगों में अगर नहीं मिलती है, तो उनके बूते की बात नहीं कि वे घर में उसको पढ़ा सके। ये तमाम विसंगतियां इस सर्कुलर के जारी होने से इस देश को सामना करना पड़ेगा। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं, इस तुगलकी फरमान का हम लोग विरोध करते हैं। इसको लेके कल 3 बजे कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं कि ये जो कंडिका जो कि जनविरोधी है, इस देश के भविष्य विरोधी है, इसको आप तत्काल विलोपित करने का काम करें, नहीं तो उन अभिभावकों के साथ जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है, उनको साथ में लेके कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पे करने जा रही है। बाकी सर्कुलर में बहुत अच्छी चीजें, जैसा फिक्स फॉर्मेट रहता है उसके तहत जारी की गई है कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा हो, टॉयलेट की क्या व्यवस्था हो, सुरक्षा के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इस बात को लेके हम लोगों ने तय करा है कि कल कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन प्रेषित करेंगे, और आगे चल के अगर सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है, हमारी कई अभिभावकों आप संतुष्ट हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो शिक्षा से वंचित रहने वाला है, और इस आदेश से वह दुखी है। मैं चाहता हूं अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात रखते हैं। एक कमजोर वर्ग का परिवार जिसने अपनी पिछली पीढ़ी अशिक्षा में बिताई, अभाव में बिताई, लेकिन आगे चुनौतियों का सामना करते हुए उस परिवार की, राजीव मिश्रा जी, हमारे भाई अतुल वाजपेयी जी, संतोष पंडा जी, तिवारी जी, पीछे बैठे हमारे सारे युवा साथी, सम्मानित पत्रकार साथी, जबकि अभी आपके समक्ष विस्तार से सौरभ भाई ने शिक्षा नीति पर, राजीव मिश्रा जी, हमारे भाई अतुल वाजपेयी जी, संतोष पंडा जी, नित्या तिवारी जी, पीछे बैठे हमारे सारे युवा साथी, सम्मानित पत्रकार साथी, जबकि अभी आपके समक्ष विस्तार से सौरभ भाई ने शिक्षा नीति पर। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। देखते रहिए के क्या न्यूज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।